ये रहा, सुबह सुबह उठ गया है, उठ के सारा काम कर रखा है इसने, सारा बिस्तर घींच का आज का चादर एक तरफ, और ये उठ गया है। आज का मौसम कुछ इस तरह से, इतना ज़्यादा धूप है कि कह नहीं सकते, चटाक धूप है, लग रहा है कि दिल्ली में बारिश नहीं होगी, धूप देख के लग रहा है। पूजा कर रही है। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। बस आज का दिन सुबह उठते ही ऐसा रहा, लड्डू थोड़ा ठीक है, ठीक मैंने काफ़ी ठीक है वो अभी, मतलब बस थोड़ा सा एक्टिव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब जिस हिसाब से वो तबीयत खराब हुई थी उसकी, थोड़ा एक्टिव होने में टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है, अभी बीमार चल रहा है। आज उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर क्या बोलेंगे, आज तक दिक्कत है, डॉक्टर आगे तक क्या बोलते हैं, उसको दवाई चलेगी नहीं चलेगी, अब आज जाके पता चलेगा। चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा के लिए ही होता है। तो चलिए हम लोग का चाय देखते हैं, ताकि दिन की शुरुआत और अच्छी हो। ये रही हमारी चाय, कड़क अदरक वाली चाय, मज़ेदार, बन के तैयार है, निकाल लेते हैं। दादी बोल रही कि मैं इसको लेके उतर जाता हूँ, फिर रास्ता में लेकर चलूँगी, फिर इसको चढ़ने में दिक्कत है, उतरने में ज़्यादा वो नहीं है। अभी डॉक्टर के पास फिर से, मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसका ब्लड टेस्ट फिर से करना है, अभी मेरे बच्चे का फिर से ब्लड निकालेंगे। डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा आना है कि नहीं आना है, तो मैंने पता कि आप बैठे हो, तो हाँ बैठा हूँ, पहले बच्चे का फिर से टेस्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट लेके हमें फिर से जाना है। अभी डॉक्टर ने कहा इसको CBC वगैरह कराओ, CBC अगर, अभी ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा क्या करना है, इसका दवाई चलेगा नहीं चलेगा, पता चले, भगवान करे सब ठीक ठीक हो रिपोर्ट में। अभी जा रहे हैं हम लोग, और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, ये गामछा ले लिए हैं, बाबू को ओढ़ा के लेके जाएंगे रास्ता में। हम लोग ने ऑटो कर लिया है, अभी बस जा रहे हैं हॉस्पिटल, इसको फिर से ब्लड टेस्ट होगा, उसको भी चाहिए, मैं जगह देखते हुए हम इधर से जाते जाते हमको ना पानी याद आ गया, बस प्यास लगने लगा, फिर भूल गए हम, चुपचाप रख। हम लोग अभी भी आए हैं, घर पहुंचे हैं, इसको टेस्ट करा के, टेस्ट करा के अभी अभी घर पहुंचे, और यहाँ पे टेस्ट हुआ इसका, इसका यहाँ से टेस्ट लिया गया, क्योंकि हाथ वगैरह तो पहले से इसका बहुत सारा हो रखा है टेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे इसका टेस्ट लिया गया अभी, क्योंकि जब भी टेस्ट हुआ तो इनके पापा लेके गए हैं, तो इनके पापा को तो ये सब थोड़ी हम लोग को पता था कि टेस्ट इसका दोबारा होगा, तो डॉक्टर ने अचानक कहा कि इसके टेस्ट करनी पड़ेगी, तो आज मैंने पहली बार इसको पकड़ के इसका टेस्ट लिया, तो मेरी तो जान निकल गई थी, मैंने इतना बुरा लग रहा था देख के, बेचारा मेरा बच्चा रो रहा था बहुत, मेरा सोना बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो एक माँ के लिए कैसा लगेगा, मेरा तो कलेजा चीर गया है, जब जैसा रो रहा था ना, बेचारा रो नहीं पा रहा था मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रे, ये इतना छोटा है, इसका इतना बार निकाल लिया ना ब्लड, अब टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो,
मान के चलो मेरा तो एकदम, क्योंकि हर माँ का जिगरा बहुत बड़ा रखना पड़ता है कि देखो बच्चे के लिए कभी क्या कभी क्या, मेरा तो जान निकल गई थी इसको मैं पकड़ी होती, ऐसा रो रहा था मेरा बच्चा, मतलब ये कम नहीं है, कितने बार इसका ब्लड टेस्ट करवाया, कितने बार, एक तो इसका नस नहीं मिल रहा था, एक तो वो नाले, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया मेरा बेटा, तो उसको ऊपर से खून निकालो ये करो, बहुत परेशानी हुई। अले मेरा बाबू ले इसके पापा आ गए हैं, ये खेल रहा है पापा के साथ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है पापा के साथ, दिन भर तो मेरे साथ ही रहता है, अभी पापा के साथ है। दादी यहाँ पे लेटी हुई है, विचार कर रही है, तेल लगाए थे इसमें तो सर पे? हाँ अभी लगाए थे। मैं यहाँ पे किचन में खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी, रात का खाना दाल बन गया है, दूध भी उबाल लिया है, और इधर परवल आलू का भुजिया बन रहा है, और एक बनाऊंगी करेला का बचका टाइप का, काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी होता है, बड़ा मस्त होता है। ये रेसिपी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो मेरी ननद है छोटी बड़ी एक ही ननद है, उनके लिए ये दिखा के मैं बना रही हूँ। मैं जब भी उनको बताती हूँ वो पूछती है कि तुमने कैसे बनाया थे, कभी देखा होगा बना के खाए हुए, तो बोलती हूँ बेचारी भूल जाती है, क्योंकि उनका भी बच्चा भी काफ़ी बड़ा है, दो ढाई साल का है, तो वो भी बेचारी बहुत परेशान करता रहता है, बेचारा लड़का उनका बहुत परेशान करता है, वो हमेशा उसी के पीछे रहती है, तो उसको लेके बहुत परेशान, भूल जाती है, जब भी बताती हूँ कि ऐसे ऐसे बनाना है भूल जाती है, तो आज उन्हीं के लिए मैं ये रेसिपी शूट करूँगी ताकि उनको याद आए जब भी बनाएंगे ऐसे ऐसे बनाना है, मैं उन्हीं के लिए ही शूट कर रही हूँ ताकि वो देखेगी, छोटी बड़ी ही की ननद है मेरी, तो मुझे ना अच्छी लगती है, तो मैं उनको निकी दी बोलती हूँ, पर ऐसे तो छोटी होती तो मैं बुचिया बोलती हूँ, मुझे ये बुचिया जो है ना प्यार से बुचिया बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बुची दी, पर मैं निकी दी बोली हूँ शुरू से, तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये रेसिपी उनके लिए शूट कर रही हूँ, चलो देखते हैं। ये दो से तीन करेले ले लिए, करेले आप कैसे भी साइज़ का ले लो, बड़े ले लो, छोटे वाले मोटे वाले करेले आता वो भी ले लो। तो इसमें हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और जैसे आज तो मेरा फ्राइडे है तो मैं इसमें लहसुन नहीं डाल सकती, नहीं तो लहसुन भी आप इसमें कूट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और इसमें डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, ये अगर ये है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें डालना है बेसन, बेसन आप उतना ही डालो जितना आपका करेला पूरा कोट हो जाए अच्छे से करेला में मिल जाए। एक आइडिया दे रही हूँ, जैसे आधा कप बेसन है तो उसमें 5-6 चम्मच चावल का आटा डालना है, और ये जो है ना क्रिस्पी बनता है, एक हिसाब से ये बचका ही है करेला का, और ये बहुत, इसको बचका बोल लीजिए भुजिया बोल लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। 5-6 चम्मच डाल दो आटे का, चावल का आटे का पाउडर, और बेसन आप उतना डालिए जितना आपका करेला में सब में अच्छे से कोट हो जाए, ये अच्छे से कवर हो जाए, ऐसे डालिए। अगर पानी का नीड है तो पानी डालिए, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी छींट के इसको मिला लीजिए, और नमक तभी डालिएगा जब आपको फटाफट छानना हो, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगा पूरा। तो अभी मैं इसको मिला के रख दूंगी अच्छे से, अब ये करेला धोए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो इसमें पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिला लेंगे। मैं अभी नमक वमक कुछ नहीं डालूंगी, जब मेरे को तलने का टाइम होगा तब नमक डाल के 1 मिनट में तल इसको डालो के नमक डाल के फिर मैं तलना शुरू कर दूँगी। लड्डू पापा यहाँ काम कर रहे हैं, ये देखिए इसको देखिए, खेलते खेलते सो गया, इधर उधर पलटता है और सो गया है। अभी दादी यहाँ पे निगरानी में बैठी हुई है, मेरा कितना दुबला हो गया मेरा बेटा,
करेला का पचका बना देती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा, अजवाइन भी डाल सकते हैं आप, जो आपको अजवाइन अच्छा लगता है अजवाइन डाल सकते हैं, या तो जीरा भी डाल सकते हैं। और जैसे आपको बनाना हो तो इसमें ना लहसुन भी पीस के डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब इसमें हम नमक डालेंगे फटाफट, क्योंकि यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है, तेल बिठाए रखा है। यहाँ पे भुजिया उतार के मैंने तेल बिठाई है, भुजिया भी बन गया है मेरे, आलू और परवल की भुजिया। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, ये देखिए अच्छे से हो गया, मिला लिया मैंने। देखिए इस तरह से लटपट होना चाहिए करेला बेसन के साथ, तो उतना ही आपको पानी डालना है, जान देना, हल्के से छिट छिट के बनाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक नहीं ऐसे लेंगे और गर्मा गर्म देंगे, ऐसे ऐसे छोड़ देंगे। देखिए कितना लाल लाल हो गया है, ये कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया मस्त, तो बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ खाने में, बड़ा मस्त लगता है दाल चावल चोखा, इतना मस्त कुरकुरा है। कुरकुरा इसलिए हुआ है चावल का आटा डाला है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर चावल का आटा नहीं है, चावल का आटे को पीस लीजिए, चावल को थोड़ा भिगा दीजिए, पीस लीजिए और डाल दीजिए, और आप एक्स्ट्रा पानी मत डालिएगा, चावल के आटे में जो पानी होगा ना उसी से आपका अच्छे से मिला जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं, हो गया लड्डू। लड्डू देखो इधर, देखो इधर, देखो हाई करो, हाई हाई हाई। ये मुझे कपड़ा चेंज करना पड़ रहा, इसको लेके बैठी थी मैं, पोटी कर दिया, और खुद का भी कपड़ा चेंज किया, ऐसे पूरा पूरा पोटी कर दिया था, सारा चेंज करना पड़ा। बाबू छोना, वो पापा के मोबाइल पे लगा हुआ है, ये देखो 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 इसको देखो, ओ अरे खाली काटता है। तो गाइस चलिए आज का शेड्यूल ऐसे रहा, अब हम कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। आ मम्मी, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और गाइस और एक बात कहना चाहती थी मैं, कि आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज अपना कमेंट कीजिएगा, कि मैं यहाँ से देखती हूँ आपको, या फिर आपका वीडियो मैं यहाँ से देखती हूँ, आप कौन से गांव से देखते हैं या कौन से शहर से देखते हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनका शहर का गांव का नाम मैं ज़रूर अपना चैनल पे लूँगी। और अगर हाँ वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। किशु के लिए ए तो चलिए बाय, गुड नाइट।